बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं दवाई साफ सुथरा और इस वक्त की कुछ अहम खबरें लेकर एक बार फिर मैं खालिद हुसैन लोन आपकी खिदमत में हाजिर। कश्मीर में मुतअद्दिद मुकामात पर एनआईए के छापे जारी है। फौरी तौर पर यह मालूम नहीं हो सका कि छापे की सूरत पर मारे जा रहे हैं। शोपियां में मसला तशद्दुद में जंगजू और सिपाही हलाक। फायरिंग के तबादले में एक और फौजी जख्मी अस्पताल में दाखिल। जम्मू और कश्मीर के राजौरी में कार नदी में गिरने से एक शख्स हलाक, दो दीगर जख्मी। यह हादसा आज सुबह 2 बजे से 3 बजे के दरमियान टेन पुल नौशारा पर पेश आया, जहां रजिस्ट्रेशन नंबर JK12B4283 वाली कार पुंछ से जम्मू जाते हुए सड़क से फिसलकर दरिया में जा गिरी। शोपियां में मसला तशद्दुद में जंगजू हलाक। पुलिस मारे गए जंगजू की शनाख्त फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। अनंतनाग, जुम्मे रात की रात अनंतनाग जिला के शानकुश इलाके में जम्मू और कश्मीर ब्रांच चातुर्गुल में चोरी की कोशिश की गई। एसीबी ने गांधरबल में रिश्वत लेते हुए वाइल्ड लाइफ गार्ड और दलाल को गिरफ्तार किया। श्रीनगर, पुलिस ने बताया कि पुराने श्रीनगर के ख्वाजा बाजार इलाके में जुम्मा को एक पूरे सरार धमाके में 2 दुकानों को नुकसान पहुंचा। अगले 24 घंटों में जम्मू और कश्मीर लद्दाख में मौसम खुश्क रहेगा। श्रीनगर में हफ्ता को कम से कम दर्ज हरारत -0.9, पहलगाम में -5.4 और गुलमर्ग में -7.5°C रिकॉर्ड किया गया। अब कोविड से मुतलक कुछ खबरें। हिंदुस्तान में 22,270 ताजा कोविड केसेस, 325 अमवात 24 घंटों के दौरान। फाल कोविड 19 केस लोड में 38,353 केसेस की कमी रिकॉर्ड की गई है। तो नाजरीन, ये थी इस वक्त की कुछ अहम खबरें। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल दवाई साहब ट्रुथ के साथ। तब तक खालिद हुसैन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।